प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार रोकने की लाख कोशिश कर ले, लेकिन अधिकारी अपनी हरकतों से उनकी हर कोशिश को नाकाम बनाने में तुले हैं। ताज़ा मामला बुलंदशहर के खुर्जा में स्थित फल और सब्जी मंडी का है। यह मंडी में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर पर लाइसेंस रिन्यूअल और नए लाइसेंस बनाने के लिए 15,000 रुपए की घूस लेने का आरोप है। मंडी में तैनात संविदा कर्मी हृदेश राघव ने मंडी व्यापारियों से लाइसेंस रिन्यूअल के नाम पर 1500 रुपए से 500 रुपए की मांग की। मंडी व्यापारियों ने बताया कि हृदेश अपने पिता और साथी के साथ मिलकर दबंगई करता है और पैसे न देने पर भुगत लेने की भी धमकी देता है। कदीम भाई, आप कल्लू कदीम के नाम से हमारी, अच्छा सब लोग आप यहाँ इकट्ठे हो मंडी में, क्या पूरा मामला है? बहुत परेशानी हमें, ये है कि कभी भी हमारे साथ कभी भी जुलम करते हैं, कभी वीडियो बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी माल उठा कर ले आते हैं हमारा, कभी करेट काम के ले आते हैं, कभी केले की करेट ले आते हैं ये लोग। लेकिन 251 रुपए में लहसुन तीन होता है, उसके 1000-1500-2000 रुपए लेते हैं। कभी भी कोई भी जुर्माना कर देते हैं, कोर्ट वर्ड ने दिया उसका कोई कोर्ट वर्ड ने दिया लहसुन का, तो पहले भी पैसे ले चुके हैं आपसे जी। वही व्यापारियों ने SDM खुर्जा से मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई, जिसके बाद SDM ने जांच के लिए 5 लोगों की टीम गठित कर दी और जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या उसमें जांच की जा रही है? मंडी परिषद खुर्जा के कुछ व्यापारियों के द्वारा, जो कि वहां पर रजिस्टर्ड हैं, और कुछ ऐसे भी व्यापारी आए थे छोटे, जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि मंडी के कुछ एक संविदा कर्मियों के द्वारा उनसे जो है धन उगाही की बात और शिकायत लेकर के मेरे सामने प्रस्तुत हुए थे। इस पर मैंने संज्ञान लेते हुए मंडी सचिव खुर्जा, तहसीलदार खुर्जा एवं प्रभारी निरीक्षक खुर्जा नगर के द्वारा की एक टीम मैंने गठित कर दिया है, और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कठोर। फिलहाल मंडी व्यापारियों की शिकायत पर SDM ने जांच के आदेश तो दे दिए, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस मामले में जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है और प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बुलंदशहर से इकबाल सैफी की रिपोर्ट।